गुरु प्यारी सत्संग जीओ धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह दशवेश पिता कलगियां वाले ने अज दे दिन खालसा पंथ की साजना साज के सिख कौम एक बहुत ही बड़ा उपकार किया। समूह सिख संगत को गुरु दशवेश पिता जी दे बख्शे हुए खालसा जी दे साजना दिवस दियां लख लख वधाइयां पेश करते हैं। तेरी सरनाई सची हर जीओ नाम कटे न जाए, थां थां ते जिहड़े आ साडे संगत वल्लों लंगर भी लाए आ, आ साडे इत्थे जिहड़ा टैक्सी स्टैंड आ ग्रेवयार्ड दा वो साडे सारे सज्जण वल्लों उहनां वल्लों जिहड़े लंगर लाए गए आ, क्योंकि गुरु के लंगर जिहड़े मैं पहले भी देखे सिख कौम दे विच इह जिहड़ी सेवा आ सिख कौम दे हिस्से आई आ। देखो किदां थां थां ते लंगर लगे आ, सारे संगतां खड़ियां आ, किदां दा लगदा तुसीं सेवा जिहड़ी कर रहे आ, किन्ना सोहणा लगदा तुहानूं, किन्ना वधिया लगदा? बहुत ही वधिया जी, बहुत ही वधिया। वाहिगुरू करम वाले नूं इह टाइम लिआउंदा, सोहणा वक्त आ, इक वैदर बहुत सोहणा हो गया उहदे करके बहुत सोहणा लग रिहा जी। थैंक यू सो मच जी। हर जीओ सदा तेरी वाह प्रगट हो मगध अगमड़ा बरियाम अकेला बहो बहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। अज दे शुभ दिहाड़े ते गुरद्वारा ग्रेवजंट जो सारी दुनिया के मशहूर गुरद्वारा है, अज गुरु महाराज की कृपा नाल पंजा प्यारियां दी अगवाई हेठ जो नगर कीर्तन हो रहा है, सारी जगत नूं वधाइयां, सारे संसार नूं वधाइयां। सो इस करके सारी संगत नूं महाराज यही बेनती है भी अमृत छको ते गुरु दे सिंह सजो ते आपे गुरु चेला बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। जो तेरी सरनाई हर जीओ ना दुख किछ नाही। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सारिया संगतां नूं हैप्पी विसाखी, विसाखी दियां बहुत सारियां बधाइयां। हैप्पी विसाखी सारिया नूं, विसाखी दियां लख लख बधाइयां होण। वाहिगुरु करे इदां ही हर साल खुशियां भरिया आवे सारिया दे लई। कोविड तो बाद इन्ने चिर बाद इह दुबारा संगत इकट्ठी होई आ, बहुत सोहणा हो गया। वैरी गुड। What do you say for the Visakhi? The food is very nice. Happy Visakhi. Yeah, it's just so enjoyable. Bahut acha aaya, bahut pasand aaya sara. जलेबियां जिहड़ियां आ बनदियां आ ते नाल चाह दा लंगर चलदा आ, सारे परिवार जिहड़े आ बड़े खुश आ ते दूरों दूरों संगत आईयां, जलेबियां दा लंगर भी चलदा आ, चाह दा लंगर भी चलदा आ। आ पिछे देखोगे तो गोरे किदां खुश आ, वह छकदे आ, उहनां नूं इदां लगदा बई बहुत चंगा लगदा उहनां दे जिहदा फ्री जिहड़ा फूड आ। अज काफ़ी ग्राउंड दे विच भी जिहड़े लागे छक जिहड़े आ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तुसीं देख रहे हो PBC ते मैं हां जगजीत सिंह जीता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 13 अप्रैल 1699 नूं एक पंथ साजिया, क्योंकि जे उस पंथ की गल कर जिहड़ियां अज साडे सिरां ते दस्तारा ने ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दित्तियां ने। सो इस जिस दिन पंथ साजिया पंजां प्यारियां नूं अमृत छकाया 60,000 दे कोई 80,000 कहिंदा कोई 60,000 कहिंदा, उहदे कट चों सिर्फ 5 प्यारे 5 सिंह नितरे सन जिन्हां ने अपने सिर दित्ते। ते उहदे तों बाद धन धन श्री गुरु महाराज दी कृपा दे नाल खालसे दा साजना दिवस जिहड़ा उहदी शुरुआत हुंदी आ, इह सिर जिहा जांदा। ते नाल ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मुड़ के उहनां ही पंजां प्यारां तों आप अमृत छकिया। सो उत्थों सरबंस तुरदा ते अज पूरे वर्ल्ड दे विच आपां कह सकदे कि खालसे दी जय जयकार हो रही है। जे ये गुरद्वारा साहब गेट ते तुसीं निगाह मारो ते थोनू इतिहासिक गुरद्वारा साहब अपने जिहड़े आ उहनां दी याद आउंदी है। बहुत बड़े बड़े महल असीं बना लैंदे आ, पैसा साडे लोकां को बहुत है, पर होना की चाहीदा? होना चाहीदा जिथे सच्चे पातशाह दे दा स्थान उह सब तो सुंदर होना चाहीदा, पर वह ग्रेवजंट की धरती से है। तुसीं देखते हो दर्शन कर रहे हो, तो अज नगर कीर्तन जिहड़ा तुसीं देख सकते हैं नगर कीर्तन, तो इधर तुसीं देख सकदा वे जिहड़ा कि मार्शल आर्ट जिहड़ा कि गतका, अज नौजवान जिहड़े आ वह इंग्लैंड की धरती से ये जिहड़ा कि वह खेल रहे हैं।
तो बड़ी वड्डी गिणती दे विच जिहड़ा इह इत्थे लोक आ उह पहुंचे ने एंड दिन भी बड़ा वधिया अज तुसी असी होर भी अगे जा के संगतां दे नाल तुहाडी गल्लबात भी करावांगे। तुसी देखते रहो PBC। तुसी देख रहे हो इस टाइम ग्रेवजंड विच खालसे दे सिरजणा दिवस ते नगर कीर्तन ते असी गल्लबात करदे हां साडे नाल सत्कारयोग पिंदा भाजी ने। पिंदे भाजी आ जाओ। बाबा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बिल्कुल आप गल करते हैं भाई साहब न बोलों के बंजारे भी कहा जाता पर अच खालसा सिटा दिवस से गुरद्वारा साहब ग्रेव जंट स्टेज सकत्र भी ने भाई साहब जी सब तो पहला तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जी की कहना चाहते हो नगर कीर्तन तुरते जाने गलबात करते जाने सारिया संगत वालों तो गुरु घर की प्रबंधक कमेटी वालों इलाके दंगत वालों खालसा के जन्मदिन दिया सारू लख लख बधाइया वाहेगुरु सारे ही परिवारों की चढ़ती कला रखे तो जोड़ा नगर कीर्तन आ अपने लाइव सारा यह चलता है ये आप तकरीबन डे पौने 2 बजे जोड़ा ये वापस गुरु घर के पहुँच जाना उस तो बाद जोड़ा ग्राउंडा के सारे जोड़े आ अपने जिन्ना भी फूड आ खाने पीने दारिया जो स्टार लगे हुए आ फिर अपने 1:45 दे जेडे गतका शुरू होनी आ गतका तो बाद ढाडी जथा ढाडी जथे तो बाद 2:45 हरजीत हरमन जोड़ा आ 2 घंटे लिए जोड़ा धार्मिक प्रोग्राम जोड़ा हरजीत हरमन ने उन्होंने करना आ तो इस तरह सारे ने साथ देना आ मैं आप गलबात करते हैं इधर साढ़े सबका प्रधान अजायब सिंह जी चीमा की कहना चाहते अज के दिन से समूह संगत नूं खालसा जी का जन्मदिन दियां बहुत बहुत बधाइयां। परमात्मा सारिआं दे जीवन में खुशियां खेड़े लियावे अते परिवारां दे विच तंदरुस्तियां सारिआं परिवारां नूं बख्शण। हुण असीं गल करदे हां साडे निर्मल सिंह जी खाबड़ा खाबड़ा साहब दे साडे कौंसलर भी आ की कहना चाहुंदे अज इह लाइव चलदा आ TV दे उत्ते। समूह सिख जगत नूं विसाखी दे दिन ते लख लख बधाई दिंदा आ। ग्रेवजंड दे गुरद्वारा दे वालों बहुत वधिया अरेंजमेंट किए गए आ लखां दी तदार दे विच संगत इकट्ठी हुई है ते दिन भी बहुत सोहना लग्या परमात्मा की कृपा नाल। मेरे वालों लख लख बधाई होवे सारे सिख जगत नूं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण साडे इधर साडे जिहड़े आ गुरु घर दे सेवादार भाई नरेंद्रजीत सिंह जी थांदी उह आप नूं 2 मिंट लई संबोधन होणगे। नरेंद्रजीत सिंह थांदी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह जगत नूं खालसा साजना दी लख लख बधाई होवे। आपां चेते करिए कि अज दा दिन आपां क्यों मनांदे आं। गुरु महाराज ने सानूं बखरी कौम बनाई है अते बखरी कौम दे खालसा राज दी प्राप्ति लई सिख संघर्ष जारी है। सारे योगदान पाइए। जिहड़े सिंह बंदी सिंह जेलां 'च आ उहनां लई अरदासां करिए कि उह रिहा हो के अपने घरां 'च आण। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े थांदी साहब जी। इस तरह संगत काफ़ी जरा साथ दे रही हैं। हुण आप गलबात इधर करते हैं साढ़े कुलदीप सिंह जी साढ़े स्टेज सैकटरी साढ़े लाइव लाइव जरा अपने TV से लाइव जरा चलता है की कहना चाहते अज के खालसा जन्म दे। सतसंग जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज खालसा दिवस के उपर आप मीडिया के राही मैं सारिया संगतों को खालसा पंथ के सिरजा दिवस से लख लख बधाई दिंदा हाँ। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ए सी नानक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आपां गलबात करते हैं साढ़े इधर सुखविंदर सिंह जी की कहना चाहते अज दिन से अपना लाइव जो प्रोग्राम सारा चलता जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सारे ग्रेवजंडियां जां होर संसार भर दियां साध संगत नूं विसाखी दे दिवस दियां बहुत बहुत बधाइयां होवन। अज सिख कौम नूं यही सुनेहा कि एके दे विच ही बरकत आ एके दे नाल असीं राज भाग प्राप्त कर सकते हाँ। तो सारे जने अमृतधारी होवो तो अपने जो गुरु साहब ने मिशन दस्या तो उहदे विच असीं सिर धरती बाजी ला के एका करके अपने अधिकार लईए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह बहुत जरा इकट्ठ आ आप सारे पता आ सारे जड़े आ ग्रेवजंड इलाके दारिया संगत जो पहुंची आ आप होर भी साढ़े सारे जड़े साढ़े वीर उन्होंने
गलबात करांगे जिहड़े साडे इत्थों दे जिहड़े जंक्शन आ जिहड़े जिन्हां जिहड़े बहुत सेवा करदे गुरु घर क्योंकि इन्होंने अपने जिहड़े सब कमेटियां बनियां बड़ी वधिया सेवा करदे आ। असीं गल करांगे साडे जैक सिंह की कहना चाहुंदे अपने लाइव चलदा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे सुनने वालों को विसाखी दी लख लख वधाइयां। तो बहुत खुशी है कि सारी समूह संगत ग्रेवजंड दी इकट्ठे होकर हरेक साल इदा नगर कीर्तन कढ़ते हैं तो विसाखी दी खुशियां माणते हैं। तो बाकी जिहड़े साडे सीनियर्स आ उन्हां दे नाल सेवा करके बहुत चंगा लगता बहुत सोहना लगता। तो सारिया संगतों नूं बेनती है कि रल मिल के सारे सेवा करो तो नगर कीर्तन दे विच हिस्सा अपना दो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण साडे गुरु घर दे जनरल सैकटरी सरदार सवर्ण सिंह जी वह भी अपने अज्ज दे खालसा दा जन्मदिन ते की कहना चाहुंदे तुसीं लाइव चलदा जिहड़ा बीबीसी ते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अपने वालों अते समूह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरद्वारा ग्रेवजंड वालों समुचियां संगतां नूं खालसा पंथ दे साजना दिवस अते विसाखी दी लख लख वधाई दिंदा हाँ। ग्रेवजंड दे विच दैन बहुत वधिया है, जो नगर कीर्तन है बहुत वधिया चल रहा है। इस करके हरेक बंदे नूं गुरु घर दे विच आ के गुरु दीआं खुशियां लैणियां चाहीदियां हन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बार बेनती करूँगा साढ़े बीबीसी के जो कैमरामैन आ एक बार सारे आले दुआले संगतों के पर कैमरा मारो तो आप होर भी गलबात करांगे साडे वीरां दे नाल। मेरे वीर आ सुखा चक्कां वाले दे नाल नाल मशहूर आ साडे ग्रेव जिहड़े कबड्डी क्लब का प्रमोटर भी आ ते इंडिया विच भी बड़ा तकड़ा खेड मेला करवाउंदे आ। जो भी इत्थे पहुंचे हो मैं बेनती करूँगा की कहना चाहुंदे अज्ज दे इस दिन ते। पहला तो सारी सिख संगत को खालसा दिवस दीआं लख लख मुबारकां। तो मैं अपने वल्लों सारे ही वर्ल्ड दे विच संगतां नूं विसाखी दीआं जिहड़ा कि साडे सिख राज दा खालसा पंथ दा दिहाड़ा है तो सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां इस दिन दीआं। तो जिदा कि तुसीं जाणदे हो कि अज कल जिदा 14 तरीक विसाखी सी ते अज ग्रेवजंड दे विच नगर कीर्तन जिहड़ा कढ़िया जा रिहा आ। सो सिख संगतां दा बहुत ही ठाठा मारदा इकट्ठ जिहड़ा तुहानूं देखण नूं मिलेगा। तो परमात्मा दी रहमत नाल दिन भी बहुत वधिया लग गया। धुप निकलिया ही आ सवेरे जदों शुरू होया थोड़ा जिहा मीह दा माहौल सीगा पर फिर भी संगतां दे विच पूरा उत्साह सी नगर कीर्तन लै के ते संगतां मीह बिना मीह की परवाह करते हुए गुरद्वारा साहब पहुँचे। पर हुण तुसीं देख लो एन धुप वधिया निकली आ दिन वधिया लगा आ ते संगतां नगर कीर्तन दे विच बहुत शामिल हो रही हैं ते कुछ दूरों चल के संगतां आ भी रही हैं। सो मेरे वालों एक बार फिर सारी सिख संगत नूं खालसा पंथ दीआं लख लख मुबारकां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। असी साडा वीर सुखा चक्कां वाला हुण बेनती करूँगा साडे नाल साडे वीर इंग्लैंड कबड्डी फैडरेशन दे जनरल सैकटरी साडे रिशपाल सिंह जी पाला सहोता ये भी आप नूं जिहड़े अज दे दिन ते वधाई भेज देणगे। रिशपाल सिंह जी पाला सत श्री अकाल जी सारिआं नूं सारे ही सिख जगत नूं विसाखी की लख लख वधाई होवे। अज ग्रेवजंड कैंट विखे नगर कीर्तन विसाखी का चल रहा है। सो संगतां दे विच बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। सो अज दे दिन 1699 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा दिवस की साजना की सी तो जो कि संगत बड़े ही उत्साह दे नाल देशां विदेशां दे विच मना रही है। सो असी सारी ही संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अते अपने बच्चों नूं सिक्खी नाल वध तों वध जोड़ो। सो जो कि सिख कौम दा दे विच वाधा होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सी साडा वीर इंग्लैंड कबड्डी फैडरेशन के सबका जनरल सैकटरी रिशपाल सिंह जी पाला सोता। हुण आपां गलबात करते हैं साडे छोटे वीर सतनाम सिंह सत्ता सबका प्रधान इंग्लैंड कबड्डी फैडरेशन ते वाइस प्रधान उन्होंने गलबात करते की कहना चाहते हैं अज इस शुभ दिन ते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज सारे खालसा पंथ नूं विसाखी दे दिन ते बहुत बहुत वधाइयां। जो साडे अज ग्रेवजंड दे विच नगर कीर्तन
निकल रहे हैं तो संगतों का बहुत उत्साह आ परमात्मा की कृपा ना दिन भी बहुत वधिया लग गया तो धुप निकली हुई आ नगर कीर्तन जो है उस संगत बहुत हम हमा के आले दुआले सारे इलाके दियां जो संगत आ शामिल हो रही आ ते असी सारे जिन्हें भी साढ़े स्टॉल लगे आ होर भी जो कोई सानू इस वेले सुन रहा है एरिए दे विच प्लीज़ हम हमा के पहुँचो नगर कीर्तन जो आरंभता तो बाद जो गुरद्वारे पहुँचेगा 2 बजे नाल उस तो बाद गुरद्वारे ढाडी जत्थे का प्रोग्राम गतका स्टॉल लगे आ ते अपने हरहारमन है हरजीत हरमन उन्हों का बाद प्रोग्राम भी होगा सो सारिया संगत पहुँचो तो असी एक बार फिर सारे खालसा पंथ नू असी कबड्डी जगत वालों बहुत बहुत बधाइया दें जी तो परमात्मा चढ़ती कला रखे इस तरह जो आ संगत इतिहास बनया रहे वाहेगुरु जी का खालसा तो वाहेगुरू जी की फतेह जी मैं जी हम अपने मंगा ढिलों साढ़े जो क्लब के गरीब जन के है वो तो 2 मिनट लूह बरू हो गए बहुत बहुत धन्यवाद सतनाम सिंह सत्ता मठेडा हूँ मैं गल करूँगा अपने साढ़े मंगा ढिलो मंगर सिंह मंगा ढिलो ये भी जे सा प्रमोटर आ गुरु नानक कबड्डी क्लब के वह भी अज के शुभ दिन से संगतों को बधाई देंगे श्री वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की मैं अज शुभ दिहाड़े से सारी संगत को बहुत बहुत बधाई दिना जी खालसे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सत श्रीकाल जी सारे मेरे लो तो ग्रेव जन क्लब वालों मैं सारे विसाखी दी बधाई दिना वाहे खालसा वाहे फतेह जी बहुत बहुत धन्यवाद जी हुण साढ़े ना सरदार सेवा सिंह जी लली साढ़े जिहड़े बहुत पंथ नूं देने जिन्हां दी वह भी अज्ज दे शुभ दिन ते आप नूं बधाइयां देणगे सरदार सेवा सिंह जी लली गुरु खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने पंथ खालसा सज के जो साढ़े उत्ते पर पुकार किया है उस नूं असीं उसकी असीं आपां सारे ही कौम नूं सारे ही संसार नूं लख लख वधाई पेश करते हाँ अते बेनती करते हाँ कि भाई गुरु महाराज ने साढ़े ते बख्शिशां कीतियां हन ते आपां गुरु बारे बनीए अमृत छकीए अते सिक्खी की सेवा करिए सिख धर्म नूं उच्चा चकीए सो अज ग्रेवजंड दे विच इत्थे नगर कीर्तन विसाखी दे संबंध विच सुशोभित है सो सारी ही दुनिया नूं लख लख वधाई होवे वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद जी मैं फिर बेनती करूँगा साढ़े PBC के जिहड़े कैमरामैन आ एक बार पिछे भी जाके सारे एक बार कैमरा लेके जाण ताकि संगतां दा पता लगे किदां ठाठा मार दियां संगतां जिहड़ियां पिछे आ रहियां सदा तेरी सरनाई हाँ सदा तेरी सरनाई हर जियो सदा तेरी सरनाई सदा तेरी सरनाई हाँ आपा फिर जुड़ते हैं साढ़े लैंबर सिंह जी बैंस हुणी साढ़े शिंदा वीर तलन तो शिंदी बैंस अज इस शुभ दिन से मैं बेनती करूँगा की कहना चाहते अज दो खालसा द खालसा जन्मदिन आ ते वह भी मतलब 2 लफ्ज कहणगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू की फतेह सारी वापरों नूं बधाइयां साखी दियां लख लख बधाइयां सारिआं नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी विसाखी दियां लख लख सारे जगत नूं बहुत बहुत बधाइयां जी सारे जगत नूं बहुत बहुत बधाइयां बड़ी खुशी हुई है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद जी साढ़े वीर साढ़े सुरिंदर सिंह जी बैंस लैंबर सिंह जी बैंस साढ़े शिंदी A1 बैंस सारे वालों जो अज के शुभ दिन से बधाइया दी गई खालसा पंथ को तो आप फिर जुड़ते हैं होर भी साढ़े संगत जड़िया काफ़ी दूर पहुंची हैं आप सारे आप मिलावे थानू
ते हुण साडे नाल साडे मोहन सिंह जी ये भी आप नूं दो मिनट लई बधाइयां देणगे अज दे इस शुभ दिन ते। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं लख लख बधाइयां शुभ दिन ते। ते होर असीं तो बहुत पुराने गरीबंद रहिंदे हां ते मेला हरेक साल वध तों वध वधी जांदा हैगा। देखो अज पहलां बड़ी फोकास सी वी मींह पऊगा, अज गुरु दी इन्नी 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 सेप होया कि बड़ी सोहणी धुप्पां निकलियां हैगियां। हुण बस सारी चंद बाड़ी आ रही। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। हुण साडे अंकल बलवंत सिंह जी हेर वह भी अज के शुभ दिन से बधाई देणगे। बलवंत सिंह जी हेर। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मेरे वालों तो मेरे परिवार वालों और समूह नगर निवासियों वालों खालसा पंथ की साजना के उत्ते सारे प्राणियों नूं लख लख बधाई होवे जी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आपां हुण गल करांगे साडे बलविंदर सिंह जी चीमा जिहड़े साडे गुरु घर के सेवादार भी आ ते जिहड़े पुलिस दे विच भी काफ़ी लंबे समय इन्हां ने सेवा की आ ते उह भी आप नूं अज बधाई देणगे। बलविंदर सिंह जी चीमा। श्री वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। सारिया साध संगतां नूं बहुत बहुत विसाखी दीआं बधाईआं ते सरकार दी मेहर होई इन्नी रौनकां सच्चे पातशाह ने देख लो सारे देश विदेशों दे विच कीती ते यही सारिआं नूं मैसेज देना चाहुंदे आ। मेरे वल्लों भी बलविंदर सिंह चीमा हुण कैंट फायर रेस्क्यू सर्विस लई उन्हां दा पॉजिटिव एक्शन ते रिक्रूटमेंट करदे आ। पहला मैं पुलिस ऑफिसर सार्जेंट ते इंस्पैक्टर कैंट पुलिस दे विच रहा सी ते बहुत भर्ती कीती सी अपने कुड़ियां मुंडिया दी ते हुण कैंट फायर रेस्क्यू सर्विस दे विच उही पॉजिटिव एक्शन ऑफिसर दा रोल करदा। बहुत बहुत सारे कैंट तो ते गुरुद्वारे वालों बहुत बहुत बधाइयां जी ते सच्ची सरकार ने मेहर कीती ए विसाखी दी 13th of April 1699 जदों दशमेश गुरु जी ने दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारिया संगतां नूं कहा सगा आके इत्थे इकट्ठे हो इकट्ठ करो ते महाराज जी ने कहा सी मैनूं पंज सिर चाहीदे आ। उन्हें इदां नहीं कहा सी मेल चाहे फीमेल, वो कहिंदे सन पंज सिर चाहीदे आ, पंज कुरबानी करदे आ। से सच्चे पातशाह ने सिखां ने उठ के अपनी कुरबानी दित्ती। उस टाइम जिहड़ा जुल्म सी उह जुल्म दे नाल लड़े ते जुल्म खत्म कीता। हुण देख लो देश विदेशों दे विच सच्चे पातशाह दी मेहर दे नाल किन्नियां रौनकां हो रही आ, किन्नी खुशी मना रही आ ते सच्चे पातशाह दी इदां मेहर रहे ते पंथ चढ़दी कला दे विच सदा रहे। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद साडे बलविंदर सिंह जी चीमा होणा दा। ते हुण मैं बेनती करदा क्योंकि सारे जिन्हां अपने जिहड़ा नगर कीर्तन जिद जिदा टाउन के बच्ची ये हों जाना आ ते थां थां ते जिहड़े आ साडे संगतां वल्लों लंगर भी लाए आ। आज साडे इत्थे जिहड़ा टैक्सी स्टैंड आ ग्रेवयार्ड दा वो साडे सारे सज्जणां वल्लों उहनां वल्लों जिहड़े लंगर लाए गए आ। एक बार बेनती करूँगा ते उधर भी कैमरा घुमाओ क्योंकि सारे जिहड़े टैक्सी स्टैंड वाले जिहड़े लंगर आ उन्होंने लाए आ। इधर टैक्सी स्टैंड वाले सारे साडे वीर इन्होंने लंगर लाए आ, बहुत वधिया सेवा करते। हरेक साल की तरह मैं गलबात करूँ बूटा सिंह जी सोहता अपने की कहना चाहते अज ये शुभ दिन से बधाई दो अपना PVC TV पर जो प्रोग्राम चलता अपना। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साध संगत जी अज बहुत खुशी का दिहाड़ा है जो कि दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ साजिया सी, अज उस नूं याद करते हुए दिहाड़ा मना रही है ग्रेव जन की साध संगत ते इलाका निवासी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करूँगा सारे कैमरा एक बार घुमाओ सारे अपने संगतां जिदा लंगर चलता है इस टैक्सी स्टैंड वालों ते सारे जिहड़े लंगर आ वो गुरु का लंगर छक रहे आ। बहुत बहुत वधिया ते बहुत बहुत धन्यवाद सारे। मैं बेनती करूँगा सारे एक बार कैमरा घुमा के सारे पता लगे
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੇ ਘੁਮਾਓ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਲੇਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮਾ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ UK ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਨ like to wish everybody all across the UK a very happy Vaisakhi Vaheguru ji ka khalsa Vaheguru ji ki fateh bahut bahut dhanwad eh si sade guru ghar de mukh sevadar sardar Manpreet Singh ji Dhaliwal te main phir benti karunga bhai apne sare ek wari sangtan kafi mohre bhi kafi chale gayi hain saryan banu ek wari camera ghumaya jave ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਾਈਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਆ ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਲੰਗਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ
क्योंकि सिख कौम जी हमेशा ही बद चढ़ के जिथे भी अपने भीड़ पैंदी आ वध तो वध लंगर लाउंदे की कहना चाहुंदे आ। असी जी विसाखी के मौके बधाइया देने चाहते सारे अज के दिन गुरु महाराज ने अज खालसा साजना जी दिवसा की जी तो सारे लख लख बधाइया जी वाहे खालसा वाहे फतेह जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखो कि थां थां ते लंगर लगे आ साडियां बीबियां भैन साडे परिवार उन्हां वल्लों लंगर लाए आ अपने अपने साडे भैन होनी खड़े आ ते मैं बेनती करो की कहना चाहते आ बधाइया सारिया विसाखी दी। बहुत बहुत धन्यवाद कि सारे साढ़े परिवार जो पहुँचे हुए। हैलो सत श्री अकाल जी, असी हैगे न्यू जनरेशन एंड वी रियली प्राउड टू बी अ सिख एट दिस वेरी प्रोमिनेंट सिख फेस्टिवल ऑफ विसाखी एंड वांट टू मेक श्योर वी ऑल पार्टिसिपेट एंड द न्यू यंगर जनरेशन पार्टिसिपेट एज वेल। बाजी बहुत बहुत धन्यवाद। ये साड़ी राय फैमिली बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सारे का। बीबीसी चैनल जरा आया हाँ जी अपने कवर कर रहा है। तुम की कहना चाहते गुरु घर के जे सा सेवादार आ वाइस प्रधान भी आ। हाँ जी वाहगुरु जी खालसा वाहगुरू जी फतेह। गुरु गोबिंद साहिब सिंह जी सबनों पहला विसाखी के शुभ दिहाड़े दिया सारे बहुत बहुत बधाइया। बाकी प्रबंधक कमेटी वालों मैं सारे जी आए सारे प्रबंधक जिन्हें भी आए वो सज्जन मित्र सारे जी आया आखते हैं अपने गुरुद्वारे वालों सारे का जी आया धन्यवाद करते हैं। बाकी बीबीसी जो कवरेज कर रहा है ये भी संगतान कुछ उपराले करने चाहिए आ क्योंकि जे चैनल हो अपनी कवरेज होगी तो सिखा की म्यूटी का मजोरिटी का पता लगो ता कि यह चैनल चढ़ती कला में रहन ता कि आने वाले दिनों भी कवरेज करते रहन। गुरु घर वालों प्रबंधक कमेटी वालों दास वालों सारे जी आया गुरु लेवा नानक लेवा साध संगत को जिथे भी बसती है खालसे के जन्मदिन दिया बहुत बहुत बधाइया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक कला एको ही मेरा ख्याल इंग्लैंड सब तो जरा बड़ा जोर गुरु घर भी बनया आ मॉडल भी बड़ा वधिया तैयार किया बड़ा वधिया प्रबंध आ जरा सारिया संगत रल मिल के ये किया जाता है। साडे उधर जनाली वाले साडे गुरमेज सिंह जी वो परिवार होर सारे वो जड़े आनू तैयार भी करते हूँ साढ़े नाल इधर होर विसाखी वाले की कहना चाहते बहुत बहुत बधाइया। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सारी संगत विसाखी दी लख लख बधाइया हो। बहुत बहुत थैंक यू साडे साडे सारे परिवार जड़े आ सारे इकट्ठे हुए आ हुण बेनती करदे साडे ज्ञानी जी ये भी दो मिनट लई आप बधाइया देणगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाह प्रगटियो मगर अगंबड़ा बरियाम अकेला बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। अज दे शुभ दिहाड़े ते गुरद्वारा ग्रेवजेंट जो सारी दुनिया के विच मशहूर गुरद्वारा है अज गुरु महाराज की कृपा नाल पंजा प्यारियां दी अगवाई हेठ जो नगर कीर्तन हो रहा है सारी जगत नूं बधाइया सारे संसार नूं बधाइया। सो इस करके सारी संगत नूं महाराज दे यही बेनती आ भई अमृत छको ते गुरु दे सिंह सजो ते आपे गुर चेला बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। सो पीवो पहल खंडे तार होए जन्म सुहेला पीओ बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साढ़े ना काफ़ी परिवार आ मैं बेनती करूँगा कैमरे वाल इधर न कैमरा करना क्योंकि काफ़ी परिवार जोड़े आ जुड़े हुए साढ़े नाल ते ओहो भी जोड़े आ नगर कीर्तन के शामिल आ अपनी सेवा कर रहे साढ़िया बीबियां भैन साढ़े परिवार बहुत दूरों दूरों जोड़े आए आ अज इस नगर कीर्तन के शामिल आ सारे का धन्यवाद किया जाता गुरु घर की प्रबंधक कमेटी वालों तो बहुत बहुत धन्यवाद आ। हुण साडे होर भी वीर साडे विसाखी अपने विसाखी का आप दिहाड़ा मनाने तुसी की कहना चाहते ये बारे जी। विसाखी का दिहाड़ा आप मनाने जी ये कह लो कि अपने महाराज दसवें पातशाह जी ने पंथ की साजना की 13 अप्रैल 1919 दे विच ते थोड़ा कोविड के करके अपना कह लो कि जिदा आप चीज़ों तो पिछड़ गए थे मैं आप कहने कि बहुत वधिया महाराज ने कृपा की आप फिर आप जुड़ कट्ठे हुए हैं अज
यह दिन त्यौहार आ। मैं कहना सारिया संगतों को बढ़ चढ़ के हिस्सा पाना चाहिए इन दे विच ते गुरु दे लड़ लगो। इस वेले पंथ नूं साडी बहुत लोड़ आ ते मैं कहना सारे एक दूजे दे मोढ़े दे नाल मोढ़ा ला के तुरो ते बाकी चढ़दी कला वाला जीवन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बधाइयां विसाखी दे मौके दे उत्ते सारिआं नूं। ते जो साडे वीर ने दस्सिया भाई 1919 दे विच क्योंकि अपने कोविड आ गया सीगा आपां इह प्रोग्राम नहीं कर सके। हुण फिर उस तरह संगतां फिर हुम हुमा के पहुंचियां आ। फिर आपां जिहड़े अपने जिहड़े शहीदी दिहाड़े जो साडे गुरुआं दे दिहाड़े आ आपां उस तरह फिर मना रहे हैं। पिछे एक फिर आपां वेखदे हां किदां सारी जिहड़ी संगत आ वो अपने नाल जुड़ी हुई आ ते दूरों दूरों जिहड़े चल के सारे जिहड़े आ परिवार जिहड़े पहुंचे हुए आ आपां उहनां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। ते जिहड़े क्योंकि दिन बड़ा वधिया पहलां थोड़ा मीह दा सीगा तां हुण अज दिन बहुत वधिया लग्गा आ तां धुप भी निकले आ। वाहिगुरू की कृपा कि हरेक साल यह जिहड़ा वधिया मौसम जिहड़ा रहिंदा आ ये उस चढ़दी कले का जिदा कहिंदे ते पनीक आपां वाहिगुरू की हमेशा ही चढ़दी कला रखदा। इधर साढ़े होर परिवार इधर साढ़े परिवार होर की कहना चाहते हैं अज विसाखी के मौके पर कि पी बी सी जिहड़ा चैनल आ ये कवर कर रहे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सारिया संगतों को हैप्पी विसाखी। विसाखी दी बहुत सारिया बधाइया। हैप्पी विसाखी सारिया। विसाखी दी लख लख बधाइया हो। वाहेगुरू करे इदा ही हर साल खुशियां भर आवे सारिया दे लई। कोविड तो बाद इन्ने चिर बाद ये दोबारा संगत इकट्ठी हुई है बहुत सोहना हो गया। वैरी गुड। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि सारे परिवार जिहड़े आ उह इकट्ठे होए आ। ये जिहड़ा अपने विसाखी का दिहाड़ा आ वह मना रहे आ अज बड़े चिरां बाद फिर जिहड़ा अज शामिल होए आ परिवार जिहड़े नगर कीर्तन दे विच ते आपां सारिआं ने जिहड़ा उस तो बाद भी जिहड़ा फिर अपने गुरु घर दीआं ग्राउंडां दे विच जिहड़ा सारा प्रोग्राम जिहड़ा चलना आ उत्थे भी सारिआं संगतां ने शामिल होना क्योंकि सारे स्टाल भी लगे हुए आ। आपां होर भी गल करांगे साडे परिवार जिहड़े आ इत्थे पहुंचे हुए आ क्योंकि परिवार दूरों नेड़े साडे लागे लागे शहरां दे विच पहुंचे हुए आ ये विसाखी के करके नगर कीर्तन के शामिल होए आ। तो आप होर भी गल करांगे इधर साढ़े परिवार जिहड़े आ जी की कहना चाहते अच्छ विसाखी के दिन सारे जागत नूं विसाखी दीआं बहुत बहुत बधाइया हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी क्योंकि परिवार काफ़ी जिहड़े आ इत्थे दूरों नेड़े पहुंचे हुए आ। तो आप होर भी इधर गल करते हैं साढ़े वीरां दे नाल की कहना चाहते अज इस विसाखी के दिन क्योंकि कई थोड़े जाखदे आ। ते हाँ जी इधर साडे भाजी हुणी ये इधर आ जाओ थोड़े क्योंकि दूरों नेड़े पहुंचे परिवार अज इस विसाखी के दिन ते की कहना चाहते आप क्यों मनाने साडे गुरां दा अज दिन साडा सीगा जिस दिहाड़े सीगा विसाखी का असीं धूमधाम नाल मनाउने आ। सानूं 12 साल हो गए इत्थे आए नूं मनाउण रहे बहुत धूमधाम दे नाल बहुत वधिया प्रोग्राम हुंदा इत्थे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपां होर भी गलबात करांगे साडे परिवारां दे नाल कि जिहड़ी विसाखी जिहड़ी आ। हाँ जी विसाखी दे बधाइयां दिओ जी। बधाइयां बहुत बहुत तुहानूं भी सारे वाहिगुरू खुशियां भरी अगली विसाखी भी लियावे तुहानूं बहुत तुसीं बहुत नाइस गुरद्वारा ब्यूटीफुल साडा ते। बहुत बहुत धन्नवाद जी। साडे वीर इधर देखो किन्नी सोहणी दस्तार सजाई आ। हाँ जी इधर आओ की कहना चाहते आपां जिहड़ी विसाखी आ आपां मनाउने हरेक साल दूरों दूरों नेड़े आपां आउने परिवार सारे तो की कहना चाहते अज्ज दे शुभ दिहाड़े दे उत्ते। मैं सारे संगत इकट्ठे होए अज बहुत खुशी दा दिन है कि आपां विसाखी कादे लई किस करके मनाउने आपां अज महाराज दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी का वह भी विसाखी आ। हाँ जी तो असं आया असं इकट्ठे हो के संगत के नाल क्योंकि उन्होंने दसिया भी जेडे ये दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने खालसा जिहड़ा साजिया सीगा वह दिहाड़ा आप अज मना रहे हैं। तो सारिया संगत होर भी पिछे काफ़ी जिहड़ियां संगत आप उन्होंने गलबात करांगे जेडे हौली हौली पहुँच रही हैं। हाँ जी विसाखी बधाइया। वैरी नाइस वैरी नाइस। ये साडे गुरु घर रविदास दे जिहड़े कमेटी मैंबर आ वो अज इस विसाखी के दिन से आप बधाइया देंगे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संग जीओ धन धन
श्री गुरु गोबिंद सिंह दशमेश पिता कलगियां वाले ने अज दे दिन खालसा पंथ की साजना साज के सिख कौम नूं एक बहुत ही बड़ा उपकार किया। समूह सिख संगत नूं गुरु दशमेश पिता जी दे बख्शे हुए खालसा जी दे साजना दिवस दियां लख लख वधाइयां पेश करदे हां अते चढ़दी कला दियां दातां दियां मंग करदे हां। वाहिगुरु सच्चे पातशाह सारे सिखां दे सीस ते इहो जिहा चढ़दी कला वाला खालसे दा रूप बख्शन अते खालसे दी चढ़दी कला बख्शन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े इधर एक मिनट के सबका मेयर साढ़े वो भी आप बधाइया देंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज दिन बहुत अच्छा है, सारे सिख देव नूं विसाखी दी बहुत बहुत बधाइया और इसी तरह ही महाराज चढ़दी कला रखन हर संगत नूं बहुत मेहरबानी जी। गुरु वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सारे जने निगाह मारते हैं जी आले दुआले संगत बहुत दूर दूरों पहुँचिया क्योंकि इकट्ठ बहुत आ। ये हरेक साल की तरह इस तरह वाहेगुरु की चढ़दी कला रही है क्योंकि सवेरे जो दिन सवेरे मीह पैंदा सीगा जदों भी आप नगर कीर्तन की अरदास की शुरू किया उस वेले धुप निकल आई आ। ये उस वाहेगुरु की कृपा आ। तो आप देखो कि संगत जड़िया आ क्योंकि जरा ग्रेजन छोटा जहा शहर आ लागे जिन्हें भी दूर दूर ती जे शहर पेंदे आ वो सारे जड़े आ संगत इतने परिवार आ के वो विसाखी मनाते तो ग्राउंडा के भी सारा दसया जाता। गुरु घर भी जरा कल दीवान भी लगना आ क्योंकि जेडे गुरु के लंगर आ वो भी कल भी जरा संगत बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद पहुँचिया असी PBC चैनल का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे समय तो जोड़ा साढ़ा जीता भाजी होर जिन्हें भी परिवार अपने सारा ये भी परिवार ही एक जरा TV वाला कवर करते हैं इन्हों का भी धन्यवाद करते हैं। बहुत लंबे समय तो यह जरा कवर करते आ रहे हैं सारा जोड़ा ये नगर कीर्तन आते कल जरा गुरु घर के दवान भी लगने अज ग्राउंड भी सारा जो प्रोग्राम होना है सारे ने जरा साथ इस तरह देना तो जरा गुरु के लंगर का स्टाल आ समोसे आ ज छोले भटूरे सारे तरह का जलेबियाँ जोड़ा खाना आ वो फ्री आ क्योंकि कला एक सिख कौम के हिस्से आया जो लंगर चलते फ्री क्योंकि जोड़े गोरे आ पिछे देखो कि गोरे कि खुश आ वो छकते उन्होंदा लगता भी बहुत चंगा लगता उन्होंने जिदा फ्री जो फूड आज काफ़ी ग्राउंड भी जोड़े लागे छागे जोड़े आ गोरे परिवार जोड़े आ इंग्लैंड इतने छोटे छोटे बच्चे भी देखो कि लंगर छकते बड़े खुश आ भी जोड़ा फ्री फूड आ भी कि ये कल ये पंजाबियों का जोड़ा हूँ सामने देख लो साढ़े जोड़े दुकाना वाले उन्होंने सामने भी लंगर लाए आ आप उधर गांह भी जाना आ इधर भी गलबात करते हैं साढ़े वीर कि लगता अज सारे जने पहुँचे हुए कि लगता बोल के विसाखी का कि वधिया लगता प्रोग्राम जो बहुत ही वधिया लगता जी बहुत ही वधिया चाहते हैं बस जी सारे विसाखी लख लख वधाई जी इधर भी हाँ जी ए कि लगता अच कि विसाखी का बहुत वधिया दिन लग गया पहले तो मीह छ पैंदा जी हुण सोहना दिन लग गया विसाखी का नर कीर्तन संगतां नूं वध तों वध आओ जी गुरुद्वारे प्रोग्राम है ग्राउंड के विच उत्थे पहुँच के देखो जी फली धर्म लगना जी और आ के देखो वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी बहुत वधिया देखो कि लंगर चलते आ थां थां ये सिर्फ सिख कौम जी उन्हां दे हिस्से आया आ ते हुण आपां अगे भी जाना आ सारे जोड़े लंगर चलते अगे जाके आप फिर देखते होर भी परिवारों वालों जोड़े कि लंगर जोड़े ये लाए गए आ कि वधिया लगता परिवार किन्ने खुश आ जोड़े गुरु के लंगर जोड़े आ सारे पास लगे आ। हूँ आप इधर आए पहुँचे देखो साडे सुरेंद्र सिंह जी मानकोनी राजवीर सिंह जी मानकोनी बहुत वधिया जरा प्रबंध किया इन्हें भी लंगर लाया तो मैं बेनती करूँगा साडे सुरेंद्र सिंह जी मानक साडे राजवीर भी हमें माणक भाई कि वधिया लगता अज विसाखी के तुम मेरा जरा अपने लंगर भी लाया तो पहुँचे हुए नगर कीर्तन चलता कि वधिया लगता। सब तो पहला जी सारे दर्शकों सारे जगत को हाथ जोड़ के श्री वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। असी अज ग्रेवजन टाउन के नगर कीर्तन का मज़ा माण आए हैं और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्हें कि बहुत चंगे ढंग के नाल अजी ऑर्गनाइजेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं और नगर कीर्तन बहुत पब्लिक दे नाल पूरी पब्लिक साथ दे रही है लगता अच्छा ग्रेवजन नहीं सारा पंजाब ही उठ के इतने आ गया।
सारा शहर पंजाबियों के ना भरिया पिया, पंजाब ही लग रहा है। तो जिहड़ा भिंदे भाजी ने गल की शुरू पे आ किवें लगता है लंगर पिछे साढ़े चाह ते जलेबियां ते चाह दा लंगर चल रहा है, साढ़े मानक सिस्ट की सारी टीम उत्थे बरतौन की सेवा कर रही है, उन्होंने सारे धन्यवाद करते हैं कि जिनी सारी ऑर्गनाइज करके कई दिनों तो लगे हुए सन सारा स्टाफ, तो अज यह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और नाल बहुता समा नहीं लवेगा क्योंकि मैंने पता तुम बहुत सारे होर भरावां दे भी इंटरव्यू वगैरह करनी होगी, तो पर एंड दे विच ही फिर सारे जगत नूं कल्ले सिखां नूं जां कल्ले गरीब जनूं सारे जगत नूं असीं अज सिखिज़म दा बर्थडे दी अज सिखिज़म 224th बर्थडे मना रहा है, तो इस दी 224th बर्थडे दीआं सारे जगत नूं बहुत बहुत वधाइयां दिंदे हां। और महाराज अग्गे अरदास करदे हां कि इस तरह सिख कौम चढ़दियां कलां विच रहे। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बेनती माणक साहब जी, सारे साढ़े ये कबड्डी की जिदा कहते क्रीम खड़ी आ, ये सारे जिहड़े आ गुरु घर हाउस के सानू बहुत पुछदे आ जदों बैठना भई टूरनामेंट जिहड़े आ ऐतकी किदां होणगे तां प्लेयर किदां आ रहे आ। थैंक यू भाजी, मैं सोचा सी भई चलो अज कबड्डी की गल नहीं करनी पर तुसीं पुछ रहे हो, साडा फर्ज बणदा जवाब देना। खुशी की गल ये कि सानू पिछले इस मंगलवार ही ट्यूजडे होम ऑफिस तो ईमेल आ गई है जिदे नाल उनी इंग्लैंड कबड्डी फैडरेशन जिहड़ी करन दी उसदी कमेटी आ उन्हां नू परमिशन दे दित्ती आ कि वह गवर्निंग बॉडी एंडोसमेंट प्लेयर नू इशू कर सकते हैं। तो उसनू मन चित रखते हुए बुधवार को इंग्लैंड कबड्डी फैडरेशन की साउथल विखे मीटिंग हुई सी, साडे भरा इशपाल सिंह शीरे की प्रधानगी थले और साडे भरा सत्ता भाजी भी उत्थे सन, सारे क्लबां ने उदण सारे इस गल की पहला खुशी मनाई और नाल नाल मते पास कर दिते आ कि 4 जून तो टूरनामेंट इंग्लैंड शुरू होने जा रहे हैं और टूरनामेंटा दीआं डेटा और टोना दे नाम जल्द ही पब्लिक विच पेश कर दिते जाणगे। तो इन द मीन टाइम 26 तरीक तक सारे क्लबां नूं दित्ती गई है कि 26 तरीक तो पहला अपनियां टीमां दे प्लेयरां दी जो भी लिस्ट वगैरह या फैडरेशन को दाखिल करके अपने प्लेयरां दी गवर्निंग बॉडी एंडोसमेंट लै के 1 मई तो पहला सारे प्लेयरां दे वीज़े वास्ते अप्लाई कर दिता जाए। और इस दे नाल नाल होर खुशखबरी आ कि 13 अगस्त नूं एक बहुत बड़ा लंडन दे एक्सल दे विच स्टेडियम बुक है ऑलरेडी, उस दे विच इनडोर वर्ल्ड कप कराया जाएगा, उस विच 6 टीमां भाग लैणगियां, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, कैनेडा, अमेरिका ते यूरोप दियां। तो असीं उहदे लई भी सारे दर्शकों अग्गे बेनती करदे हां कि बढ़ चढ़ के आके उस कप नूं भी कामयाब करो और सारे टूरनामेंटां दे सारे सीजन दे कबड्डी दे मजे माणो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि गुरु घर जदों अपने बैठी दा ऑफिस दे विच तां बाहरों जिहड़ियां संगतां दूरों दूरों आउणियां वह बहुत ज़्यादा हुण पुछ रहे थे भी टूरनामेंट होने आ। मैं धन्यवाद करदा सारी कबड्डी की जिनी टीम आ, साडे इंग्लैंड की जिहड़ी इंग्लैंड कबड्डी फैडरेशन के सारे नुमाइंदे आ, इन्हां ने सारी जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण आपां हुण होर भी साडे जिहड़े परिवार आ उन्हां नाल भी गलबात करांगे। देखो आ लंगर बड़ा वधिया लंगर लगा आ, मैं बेनती करूँगा साडे वीर नूं भई इधर गल करन, जलेबियां जिहड़ियां आ बणदियां आ ते नाल चाह दा लंगर चलदा आ, सारे परिवार जिहड़े आ बड़े खुश आ ते दूरों दूरों संगत आईया, जलेबियां का लंगर भी चलता है, चाह का लंगर भी चलता है। बड़ा धन्यवाद है इन्हों का साडे माणक भरावान का, बहुत वधिया लगता साडे नाल आ साडे वीर, क्योंकि कबड्डी ग्राउंडां विच भी हुंदे आ, गुरु घर भी बहुत सेवा करते आ। मनप्रीत सिंह जी बद्धनी कलां, उन्हां नूं भी बेनती आ भई अज की कहना चाहुंदे आ, विसाखी आपां क्यों मनाउने आ? सब तो पहलां तां पिंदा साहिब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालसा पंथ के साजना दिवस दियां समूह जगत नूं लख लख वधाइयां ते वधाइयां ग्रेवजन की संगत नूं ते जिहड़े आस पास के इलाके के कैंट भारत तों जिहड़ियां इत्थे संगतां पहुंचियां होईयां, बहुत खुशी हुंदी है जदों देखदे हां कि इंग्लैंड दे विच जिहड़े ओह थां थां ते नगर कीर्तन सजाए जांदे ते सिख कौम दे जिहड़े झंडे बुंग जिहड़े ओह झूलदे आ हर पासे, ते बड़ी खुशी हुई है ते अज इस तरह लगदा जिवें सारा पंजाब जिहड़ा ओह मंड के जिहड़ा ओह ग्रेवजन दी इस धरती ते पहुंचा होवे ते जिहड़ा इतों का गुरु घर है वह यूरोप के सब तो व्डे गुरु घर के एक है, जिसकी आलीशान बिल्डिंग दिया जड़िया संसार भर के जी चर्चा होंगी है। एक बार फिर ग्रेवजन दिया समूह संगत मेरे वालों मनप्रीत सिंह बद्धनी कलां वालों खालसा पंथ के साजना दिवस दियाँ लख लख वधाइया। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साडा वीर बागी टवाल काफ़ी इन्हों का भी काफ़ी देन है, जदा सारे पास गुरु घर भी बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं। मैं बेनती करूँ चाह का कप पाँ के रख दो जो पी लेगा हाले नहीं तो की कहना चाहते अज। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। सारू विसाखी दियाँ जी बधाइया, बहुत 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 दूरों नेड़ों संगत आई, सारे का धन्यवाद जी। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर बेनती करूँगा भाई सारे पास एक बार कैमरा मार लैन, क्योंकि पिछले नगर कीर्तन भी आ रहा, संगत इधर मोहरे भी काफ़ी पहुँचियां आ, तो साढ़े वीर जड़े आ वो इस तरह फिर उन्हें शामिल हो जाए नगर कीर्तन के, साढ़े फिर पी वी सी
चैनल जिहड़ा साडा आ उन्हां दा भी धन्नवाद आ जिहड़े कवर कर रहे आ बहुत बहुत। हुण आपां फिर नगर कीर्तन दे नाल जुड़दे आ। देखो प्रमाणक परिवार आ जिहड़े बड़ी वधिया सेवा करदे आ, तुसीं सेवा जिहड़े करदे आ अज विसाखी दे दिन ते की कहना चाहुंदे संगतां नूं? असीं सारिआं नूं वधाईआं कहना चाहुंदे आ, विसाखी दी बहुत बहुत वधाईआं सारिआं नूं। ते अज सारे इत्थे आए हां, ग्रेव्स एंड संगत सारी इकट्ठी होई आ, जलेबियां चाह दी सेवा लाई हुई है मानक सिस्टर वालों ते अपने पिंड वालों, ते सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारक विसाखी दीआं। साढ़े नाल होर भी बच्चे आ जुड़े, बड़ा वाह इन्हां नूं चाह आ विसाखी दा। व्हाट यू से फॉर द विसाखी? द फूड इज वेरी नाइस। Happy Vaisakhi. Happy Vaisakhi. Yeah, just so enjoyable. Bahut acha hai, bahut pasand aaya sara. It's really nice. Badhaiyan Vaisakhiyan nu sareyan nu. Bahut bahut dhanwad kyunki sare parivar jehde jude hoye aa, badi khushi aa sareyan nu, nyanayan nu, bacche jehde aa, kyunki eh aapan idaan de din jehde aa apne guruan de apne shahidaan de manawange, te phir jehda sara eh pata lagda rahuga sade aun wale jehde bacche aa generation aa उन्हां नूं एक बार फिर सारिआं दा धन्नवाद। आपां हुण नगर कीर्तन दे नाल एक बार फिर जुड़दे हां। नाले आ साडे वीर जिन्हां ने लंगर लाए आ, मैं उन्हां नूं पुछणा चाहुंदा वी तुसीं अज विसाखी दे दिन ते जिहड़ा लंगर लाया, किन्नी की खुशी है तुहानूं? सानूं बहुत खुशी है, सारी संगत दा धन्नवाद है जी, ते ग्रेवजन गुरद्वारा कमेटी धन्नवाद जो सानूं सेवा लंगर दी लाउण दी सेवा दा मौका दित्ता सानूं। ते असीं सारी संगत नूं खालसा दे सिरजणा दिवस ते वधाई होवे, ते सारिआं नूं लख लख वधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सारिआं दा। सारे साडे वीर आ देखो कि चढ़दी कला दे विच आ जिन्हां ने अज आ लंगर चलदा आ गुरु के लंगर सारा ठंडा क्रैप्स होर जिहड़े आ साडे कोल्ड ड्रिंक आ। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारिआं दा। आपां फिर पिछे बेनती करदे आ, पिछे आपां नगर कीर्तन दे नाल जुड़ीए। सो बेसिकली विसाखी इस करके साडे सिख मनांदे ने क्योंकि साडे दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अज के दिन 1699 के खालसा साहब जी की साजना की थी श्री केसगढ़ साहब के, जिथे उन्होंने पंज प्यारे है बनाए सी, ते साडी खालसा की साजना की थी। ते साडे सिंघां नूं अमृत छकाया, नाले आप पंज प्यारे तो अमृत छकाउण तो बाद आप भी छकिया पंज प्यारिआं तों। बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। साडे जिहड़े सिखी दे नाल जुड़े साडे काफ़ी परिवार आ ग्रेवजन दे विच, तुसीं ग्राउंड दे विच जा के देखना साडे जिहड़े यंगस्टर आ इत्थों दे, उन्हां ने गतका भी जिहड़ा उन्हां ने जिहड़ा खेडणा आ, उन्हां ने जिहड़ा पर बहुत वधिया प्रबंध कीता आ। ते हुण फिर आपां होर भी संगतां नाल जुड़ांगे। इह आ साडे गुरु घर जिहड़ा लागे 1.5 फुट पैंदा शहर, उत्थों दे प्रबंधक, ते की कहना चाहुंदे अज इस नगर कीर्तन विसाखी दे मौके ते? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗ੍ਰੇਵਜਨ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗ੍ਰੇਵਜਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੇਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲੈਟ ਵੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾਹਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬਣਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਤਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਗਤਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੇਵਨ ਚੱਲਦਾ ਖਾਲਸਾ ਟੋਏ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ? ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਸੀ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਸ਼ੀਨ ਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਮਾਡਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਉਣ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਊ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਅੱਜ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਲਾ ਕੇ।
ਚੱਲ ਕੈਮਰਾ ਘਵਾ ਲੈ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾ ਲਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਾੜਿਆ ਬੋਲੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਰ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਮਾਮੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਦੇਣੀਆਂ ਭਈ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਖਾਲੀ ਆਈ ਸਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੇ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ ਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾ ਬੋਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰੀ ਆ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਮੋਹਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਰੈਡੀ ਇਹ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਐਂਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਐਂਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਐਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰਾਂ
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗ੍ਰੇਵਜੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਯੂ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਪਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਜੰਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਰਥ ਦਿਵਸ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਸਾਹਿਬ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲਸਾ ਇਟਸ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਪਾ ਮੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿਊ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕਿਊ ਲੱਗਾ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਅ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਹ ਸਾਡਾ 20ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੇਵਜੰਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਆ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ PBC ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ
कोई कलमकार लिखता है कहिंदा कोमे मेरिए समय ने ढोल मारे कोमे मेरिए समय ने ढोल मारे भावे उन्हां विच तेरी आवाज कोई नहीं ओ जड़ा मुर्दियां ताई नचा सके तेरे वर्गा किसे कोल साज कोई नहीं मुर्दियां नूं नचाउण वाला साज अगर किसे दे कोल है ना ओ सिखां दे कोल है ते आओ गुरु का सिख जिवें सतगुरां दे चरणां दे विच अपना सीस भेट करदे नूं लैंदा नूं मेरे ढाडी साथी होंदे आ Oh,
बहुत धन्यवाद दी है मेरी छोटी भैन कुलदीप कौर उन्हां वल्लों 20 पौण 10 दे ढाडी जत्थे लई विशेष तौर पर माण आया। आप समुचियां संगतां ने बहुत सारा प्यार दिता, समय ने अपना पंध मका लिया है। दीन दुनिया के मालिक ने पंजा सिखां दे सिरां नूं धड़ां तों वक्ख कीता है। हुण सच्चे पातशाह नहीं निकले तंबू दे विच्चों, बिरला बिरला कोई सिख बैठा है, अड़ीक हो रही है। हुण कईआं ने अपने आप नूं मानसिक तौर ते तैयार कीता है कि सच्चे पातशाह जे सिर मंगण ते मैं अपना सिर देना है, पर दीन दुनिया के मालिक हुण सिर मंगण लई नहीं निकले। पंजा सिखां नूं पंजा प्यारिआं दे रूप दे विच लैके आंदा है, सुंदर बाणे पहने हुए ने। सच्चे पातशाह ने सतलुज दे विचों अमृतमई जल लिया है, पंजा बाणियां दा जाप कीता है। सच्चे पातशाह ने खंडा फेरिया ते सुरत जिहड़ी अकाल नाल जुड़ी हुई है। माता जी ने पतासे पाए ने, खंडे वाटे दा अमृत तैयार होया है। दीन दुनिया दे मालिक ने पंजा सिंघां नूं पंज कुट बख्शे ने, ते सच्चे पातशाह एक गोडा थले लाया है, दोवें हाथ जोड़े ने। पहली वार नहीं तरीक दे विच, पहली वार नहीं तरीक दे विच, गुरु काल दे विच होया है। जिदन बाबे नानक नूं पुछिया सी किसे ने, बाबा सारी दुनिया तेरे पैरां दे विच झुक गई, तू भी किसे अगे झुकेगा? ते बाबे ने एक फैसला दे दिता, कहन लगा मन्ने की गत कही ना जाए, जिहड़ा मन लवेगा ना उहदे अगे झुक जावांगा। अज कलगीधर पातशाह उन्हां पंजां दे चरणां 'च झुक गए। कहन लगे भाई दया सिंह, मैनू भी पंज कुट खंडे वाटे दे अमृत दे बख्श दिओ। कहिंदे इतिहासकारां ने अपनियां कलमां चप दित्तियां, किदां हो सकदा गुरु अपने चेलियां दे पैरां 'च झुकदा? भाई दया सिंह कहन लगा, सच्चे पातशाह सिर दे के अमृत लिया। दीन दुनिया के मालिक कहन लगे, मेरा भी सिर हाजर है। कहन लगे, गुरु भी सिर देवे चेला भी सिर देवे, गल नहीं जे बनती। सच्चे पातशाह कहन लगे, पंज कुट अमृत दे दिओ, मैं अपना सरबंस देवांगा। फिर समा आया, दीन दुनिया के मालिक ने अपना सरबंस दिता है। वाह वाह, प्रगटियो मर्द अगंबड़ा, बरियाम अकेला, बाहो बाहो गोविंद सिंह आपे गुरचेला। तरीक का एक नवा पन्ना सतगुरां ने 30 मार्च 1699 नूं लिखिया है। इतिहासकार लिखते ने कि दुनिया भर के फिलोसफर, दुनिया भर के बुद्धिजीवियां, दुनिया भर के चिंतक, दुनिया भर के विश्लेषक ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के खालसे को प्रणाम कर दिता। दुनिया के जिन्नियां भी कौम ने, इको कौम है सिख कौम, जिहदा जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है। अज तुसी बटपाकियां रूहां खालसा पंथ के जन्म दिहाड़िया समर्पित, खालसा सिरजना दिवस को समर्पित इस समागम के हाजरी भर रहे हो। सतगुरु कृपा करन अपने घरों नाम बाणी तंदुरुस्ती ते चढ़दी कला का जीवन बख्शन। जिन्ने कदम चल के आए हो, सच्चे पातशाह तुहाडा एक कदम अपने दर के उत्ते प्रवान कर लैन। इन्हां शब्दों के नाल मेरे नाल मेरे ढाडी साथी इदला ढाडी हरप्रीत सिंह हीरा पिंडाला जिला मोगा, ये ढाडी कुलदीप सिंह रसिया पिंड चक मगलाणी नेड़े नकोदर जिला जलंधर, सरंगी मास्टर मनजीत सिंह पासला नेड़े ग्राया जिला जलंधर, अमनदीप सिंह फरवाले का ढाडी जथा, समुचे गुरद्वारा प्रबंध का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आप संगत का धन्यवाद करता है। कोटन कोट धन्यवाद साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के विचों बहुत ही उगड़मे रूप से विलखण शख्सियत के मालिक मेरे छोटे वीर भाजी जीता जी ते होर सत्कार रूह हाँ। पाला बड़ा पिंड सत्ता मठड्डा ते पिंदा मठड्डा उन्हां वल्लों 40 पौण 10 दे ढाडी जत्थे लई आए ने। कबड्डी दे खेत्र दे सत्कारत चेहरे है, साडे इलाके दा सन्मान है। मैं उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। इन्हां शब्दां दे नाल आप संगत नूं खालसा पंथ दे साजना दिवस की लख लख बधाई दिंदे होए ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛੱਡੋ ਜਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सारिया ही संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ढाडी जथा अमनदीप सिंह जी फरवाला साढ़े गुआढ़ी पिंड तो जिन्होंने ढाडी बाला राही संगत निहाल किया है। असी इन्हों का गुरु घर की प्रबंधक कमेटी वालों आई हुई संगत वालों बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ। हुण साढ़े गुरु घर के स्टेज सकत्र पैंड तीनदरजीत कौर वो आपू इस खालसा जब से बधाई भी देन तो एक दो अनाउंसमेंटा भी उन्होंने कर लिया है। तीजिंदरजीत वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी आप जी नू खालसा पंथ के साजना दिवस अते विसाखी दिया बहुत बहुत मुबारकबाद। अकाल पुरख जी आप जी नू अनंत खुशियां नाल भरपूर रखे। संगत जी मेरे पास सूचना है कि बीबी सुरिंदर कौर जो कि इंडिया तो आए हुए ने वो ऑफिस के बाहर बैठे ने वो बिछड़ गए ने अपनी बच्ची अपनी लड़की परमजीत कौर ते सुरिंदर सिंह उन्होंने जवाई है। तो जिस भी सुरिंदर कौर ते परमजीत कौर ते सुरिंदर सिंह बीबी सुरिंदर कौर उन्हों की मदर ऑफिस के बाहर बैठी हुई है सो आप जी उतों उन्होंने कलैक्ट कर लो। अपने सियाणियां अते बच्चों का ख्याल रखो। आनंद माणो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साढ़े गुरु घर के जनरल सैकटरी सरदार सवर्ण सिंह जी वो भी आप बधाई देंगे। सरदार सवर्ण सिंह जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध सिंह जी मेरे वालों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह साध संगत को विसाखी खालसा पंथ के साजना दिवस की लख लख बधाई होवे। समूह संगत ने बड़े ही जोश के नाल अज गुरु घर के आके विसाखी मना रहे हो। उम्मीद है इस ही तरह हमेशा गुरु दी संगत प्रेम कर दिया रहनगियां। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साढ़े गुरु घर के जनरल सैकटरी सरदार सुबान सिंह जी मैं बेनती करता दो मिनट म्यूजिक बंद रखियो दो मिनट थोड़ी जा हैलो दो मिनट हैलो हैलो बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साढ़े गुरु घर के मुख सेवादार सरदार मनप्रीत सिंह जी धालीवाल वो आपनों बधाई देंगे ते नाले जोड़ा अगला प्रोग्राम आ वो ना दी नाल निभाउणगे। उस तो बाद दास फिर हाजिर होगा। सरदार मनप्रीत सिंह जी धालीवाल साढ़े गुरु घर के मुख सेवादार। गुरु रूप साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरे वालों और समूह गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप सारिया संगतों को खालसा साजन दिवस दिया बहुत बहुत बधाई। सारी संगत का बहुत धन्यवाद। सारे सेवादार ने जिन्होंने अज आते सहयोग दे के अज बहुत वधिया नगर कीर्तन भी होया ते अज पण धार्मिक मेला भी I would like to just thank everybody for coming today. Today we're here to mark the birth of the Khalsa Panth. I would like to wish everybody a very happy Vaisakhi. Thank you to all the Sevadars, to all the Sangat and all the various different organizations which have come today to make this event happen. We have a number of guests here today. We have Ian Drysdale, who is the Deputy Chief Officer for Kent Police. We have Sean White, who is the Chief Superintendent for Kent Police, also Sunny Randhawa, who's our local community liaison officer. We've got Govinda Singh Sander, who's the first Sikh Deputy Lord Lieutenant for Kent. We have Ravi Babara, who was the first, one of the first cricket players for Cricket England, for England cricket team. We had Peter Collard, Scollard here, who's the Mayor of Gravesham. He attended earlier, and thank you to also to the High Sheriff, who also attended. I would like to pass it over to Govinda Singh Sander to say a few words.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗਵਿੰਦਰ ਸੰਦਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਡੈਪਟੀ ਲੂਟੈਨੈਂਟ ਡੈਪਟੀ ਲੂਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਆ ਕਿੰਗ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਗ ਚਾਉਸ ਤੋਂ ਬਸ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਜਸਟ ਅ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਮ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟਿੰਗ ਲੋ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਸ ਮੈਜਿਸਟੀ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਮਾਈ ਨਿਊ ਰੋਲ ਵਾਸ ਅ ਡੈਪਟੀ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਫੋਰ ਕੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਮੈਸੇਜ ਫਰੋਮ ਐਂਡ ਦ ਮੈਸੇਜ ਫਰੋਮ ਦ ਕਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਮ was to thank you, many congratulations on Vaisakhi, the birth of the Sikh faith, and also to congratulate you on the seva and the support that the Sikh community in Gresham and Kent does to support those in good times and bad. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Fateh. Our last speech is from Ian Drysdale, who again is the Deputy Chief Officer for Kent Police. Well, good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you all so very much for inviting me and my colleagues from Kent Police to such a special day that you celebrate. Happy Vaisakhi to you all. Your generosity is overwhelming. Your welcome has been fabulous. And on behalf of my colleagues and I, can we thank you sincerely, not just for a wonderful day today, for inviting us to be a part of your special day, but also for the support that you give us day in and day out throughout the year. Your support for Kent Police is deeply appreciated. We don't take it for granted, and we will work as hard as we possibly can for your community and our wider communities to strengthen those bonds as we go forward. We are here today, we have a stand, we are recruiting heavily, so if you have an interest in policing, please visit our stand. We would love you to consider a career in policing. Thank you again for all of your support and for everything you do. It is really very much appreciated. Happy Vaisakhi. Okay, briefly, just we also got a special guest here today. We got Ravi Bapara, one of the first Sikh players to play for England in cricket. He's played for Punjab in the IPL. He's now just come back from playing in the Pakistan Super League. He's played in the Dubai Super League. Ravi, why are you here today? And you wanted to say happy Vaisakhi to the community. Yeah, happy Vaisakhi. I hope everyone's enjoying their tea and samosa. Well, we're here to bring cricket to the Sikh community and promote it inside the Sikh community. And if you do enjoy your cricket or your kids enjoy cricket, we're going to be in the corner over there. There's a little cricket field over there. So please come along and meet us, guys. Thank you. And also with Ravi, we've got Jazz. Jazz is from Dartford. He's playing for Kent and he's obviously started his career. We're hoping over the coming seasons he'll be playing for England as well. Jazz, you want to say a few words? Yeah, happy Vaisakhi everyone. I see all large crowds here. If you're just getting into cricket, I'd like us, we're over in the left corner, bringing the Sikh community together to play cricket. Thank you ever so much. So cricket over there, have any children or families who are interested, come and meet Ravi, a genuine superstar and an emerging superstar here, Jazz.